सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, सबसे पहले आप इतनी लेट क्यों आए? सॉरी ये बहुत लेट आए हो आज, हमको पार्टी करते हो नीचे उतारे अभी नहीं। देखा हम कितना प्यार करते हैं आपसे। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। और सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, गाना धमाका मचा रहा है, ट्रेंडिंग कर रहा है, लेकिन विशाल धोखा दे रहा है। विशाल धोखा दे रहा है? हाँ, मतलब वो आपको क्या, वो क्यों कर रहा है, क्यों धोखा दे रहा है वो आपको वीडियो में देखने में पता चलेगा। उसके पीछे भी बहुत ठोस रीजन है जो आपको जरूर, आपको बहुत वैलिड लगेगा वो चीज। तो आप लोग प्लीज वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि विशाल समीक्षा को धोखा क्यों दे रहा है। ओके, विशाल धोखा तो नहीं दे रहा, धोखा ही दे रहा है। हाँ बोल रहा है ना, लेकिन हाँ मतलब वही, हाँ हाँ बोलो। वो तो कमिटमेंट इश्यूज है ना। लेकिन आजकल इस तरह से ही होता है कमिटमेंट, लोग कमिटमेंट करना ही नहीं चाहते। ऑब्वियसली बिल्कुल बोलो, आप बोलिए। जो सिंगल है उनसे क्या पूछ रहे हो ये सवाल? हाँ वही देखो, मेरे हिसाब से अगर दो लोगों का के बीच में अगर वो अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार है, तो आई गेस कमिटमेंटल इश्यूज नहीं होते। नहीं हुए कमिटमेंट इश्यूज उन लोग में होते हैं जिन जो उतने स्ट्रांग नहीं। आई गेस शादी क्यों नहीं करना चाहते आजकल जो, तो देखो ना फिर सॉन्ग देखो ना, आप शादी क्यों नहीं करना चाहते तो पता चलेगा ना। आपने देखा है नहीं देखा? देखा तो अभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अभी सवाल झूठ। देखा है कि नहीं देखा, सच्ची बोलो। ओके एक बात है विशाल, आप पंजाब के वो बनते जा रहे, हीरो बनते जा रहे हैं, मेरा टारगेट ही वही है। मेरा टारगेट है कि पंजाब का बहुत बड़ा हीरो बनूं, अपनी टीम के साथ बनूंगा। पहला आशिका के साथ आपने धमाका मचाया और अभी समीक्षा के साथ धमाका मचाया। आशिका के साथ तो धमाका जो मच गया, अब समीक्षा के साथ तो धमाका मचना था क्योंकि मैं और समीक्षा थे और हमारी पेयरिंग पब्लिक ने, टचवुड, ऑलरेडी हमको बहुत पसंद करते हैं, तो वो सॉन्ग में भी दिख के आया हमारी पेयरिंग, हमको इतना ज़्यादा प्यार दिया, हम तीन दिन से अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं, तो यार दिल से खुशी हो रही है। बिल्कुल पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनकी तरफ से क्या एप्रिसिएशन आया, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स हमारे हमेशा से हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हमेशा, हर एक जो भी प्रोजेक्ट हम करें वो अप्रिशिएट ही करते हैं, तो उनका आशीर्वाद है इसलिए हम यहाँ पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, देखो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारा परिवार का आशीर्वाद, तुम्हारे दोस्तों का साथ, और तीसरा आपके फैंस का प्यार। वो अगर लकीली हम भगवान से बहुत लकी ब्लेस्ड है कि हमारे पास तीनों है, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए थोड़ा बहुत अच्छा कर रहेंगे। टीम बिगाड़ा हमेशा से धमाल मचाता है, लेकिन एक ही इतने बड़े स्टार है आप लोग, लेकिन थोड़ा सा भी घमंड नहीं है आप लोग? खैर आप बोलो, आप ये बोल रहे हो, थैंक यू सो मच ये बोलने के लिए, बट आई गेस हमने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया घमंड वाला अभी तक तो। और मेरे हिसाब से कभी भी कुछ भी कर लेना चाहिए आदमी को, मैं हमेशा बोलता हूँ हंसते रहो, हम्बल रहो, क्योंकि नहीं पता कि आदमी जो आप जिससे बात कर रहे हो वो कौन से माइंड ऑफ स्टेट से गुजर रहा है, उससे क्या बीत रही है, तो प्लीज़ हमेशा हम्बल रहो। हम उसमें तीन तिगाड़ा उसमें बिलीव करते हैं ऑब्वियसली। और अभी तो देखो ना, मतलब वर्ल्ड इज इन्फिनिटी, काम तो कभी कितना करना है, अभी तो जहाँ पहुँचे वो तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है, तो किस चीज़ का घमंड करें? राम जी ने अप्रिशिएट किया आप लोगों को, साथ ही साथ सिद्धार्थ की मम्मी ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि तीन तिगाड़ा जो है बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही काम करने वाले बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे यार? तारीफ की उन्होंने सिद्धार्थ अभिषेक आंटी, विभा आंटी, इतने प्यारे लोग हैं ये लोग, सच्ची। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि वो हमारे हमको हर एक सॉन्ग में, हमारा उनका ऐसा रिलेशन कि हम उनको हर एक सॉन्ग में उनके सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें ऐसा कर रहे हैं। आई होप ये रिलेशन और आगे मेंटेन हो और वी आर रियली वेरी क्लोज, तो थैंक यू सो मच आंटी। ओके आखिर में आज भाभी को हम बहुत मिस कर रहे हैं, हम भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ बताया उसने, कैसा लगा उसने तो कॉल किया तुरंत, उसने बहुत उसको बहुत उसने तो पहले ही देख लिया था वैसे तो हाँ, उसने तो खैर रिलीज होने से पहले देख लिया था, बट भाविन ने कॉल किया, एक्चुअली ये बहुत लास्ट मोमेंट हुआ ये हाँ। तो भाविन का प्लान था यहाँ पे आना, बट लास्ट मोमेंट कुछ हो नहीं रहा था, तो भाविन तो फिर उसको काम के लिए अहमदाबाद निकलना पड़ा, वरना भाविन स्पेशली लॉन्च के लिए यहाँ पे रुका हुआ था। तो यार बट क्या करें, बट वर्क कम्स फर्स्ट। ओके रूबीना जीत चुकी है बिग बॉस, क्या कहना चाहेंगे? आई एम हैप्पी मैन, मतलब लाइक आई एम हैप्पी फॉर हर, पर मुझे मैंने कभी फॉलो नहीं किया, मैंने भी कभी फॉलो नहीं किया, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि शी वाज गुड। इवन राहुल जो फर्स्ट रनर अप थे वो भी अच्छे थे, मेरे को राखी काफ़ी पसंद थी, राखी आई वांटेड हर टू बी, चर्चली गर्जली थी क्या है, बट यार शी इज लाइक शी इज अ रियल। नया सॉन्ग कब, क्या है नया, नया शूट करने जा रहे हैं कुछ?
देखो मैं आपको लास्ट वीडियो में तो बता दिया था नया नया क्या क्या होने वाला है। हाँ, तो अभी नहीं बताएंगे, आपकी सजा है क्योंकि आप लेट आए हो। आप लेट आए हो तो आपकी सजा है आज की। और दूसरी बात कि अभी हमारा तीन ठीक है, बोल रहे ठीक है, तीन तिगाड़ा का हर एक महीने कुछ ना कुछ मेरा समीक्षा भावेंगे किसी का, बट वी आर रियली होपिंग कि समीक्षा के बदले पे तीन तिगाड़ा का कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आई रियली होप, क्योंकि हमको टेंटेटिव डेट्स तो वही मिले, बट बहुत अलग होगा जो भी हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।